हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। तो एक छोटी सी बात आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने लाइफ में एक बार नहीं बारी बारी देखी है, महसूस की है। तो वैसे तो हमारे समाज में कुछ भी बोल दिया जाता है, धारणा बना दी जाती है, वही बात बारी बारी बोली जाती है। ये भी बोला जाता है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, पर इस चीज़ का जो मेरा अनुभव है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ आज। क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो बाहर जाते हैं, तो बहुत से हमारे साथ में होते हैं, मेरे साथ में जैसे, तो कई ऐसे हैं कि वो मम्मी पापा उनके टिफ़िन पैक करके देते हैं, कई ऐसे भी होते हैं जिनके सास सुर टिफ़िन पैक करके देते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक बार नहीं बारी बारी नोटिस की कि जो बच्चे घर से टिफ़िन लेके आते हैं या वो बाहर रह रहे होते हैं छुट्टियों में, घर जाते हैं तो छुट्टियों के बाद आते हैं, घर से स्पेशल डिश बनवा के लाते हैं, तो हमेशा वो बच्चे जिन्हों जो मम्मी पापा के हाथों का खाते हैं, वो यही कहते हैं कि मेरी मम्मी ये चीज़ बड़ी स्वादिष्ट बनाते हैं, ये चीज़ बड़ी अच्छी बनाई है, ये मेरे लिए बना के भेजा है उन्होंने। और जो बच्चे मतलब जिनके सास ससुर टिफ़िन पैक करके देते हैं, तो मैंने एक बार नहीं, वो बात भी मैंने बार बार सुनी है कि मेरी सास बड़ी अच्छी है, टिफ़िन मेरे हाथ में पकड़ाते हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे को खाना बना बनाया तैयार मिलता है। तो मतलब ये है कि जो मायके वाले अगर बेटी को तैयार करके देते हैं ना, बेटा या बेटी को, तो वो खाने की तारीफ करेंगे, पर अगर ससुराल वाले अपने बहू को देते हैं तो वो खाने की तारीफ नहीं करेंगे, वो ससुराल वालों की तारीफ करेंगे। तो ठीक है, कह देते होंगे कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, पर मैं कहती हूँ आप बहू को बेटी बनाकर तो देखिए, वो आपको बेटे से ज़्यादा, बेटियों से ज़्यादा भी मान सम्मान दिलाएगी, नाम रोशन करेगी आपका। पर थोड़ी सी शुरुआत मैं कहती हूँ कि आप भी कीजिए, थोड़ा सा माहौल आप बदलिए, क्योंकि जब बहू घर में आती है तो सब उसके लिए नया होता है, और सबसे अच्छी सहेली उसकी सास ही बन सकती है अगर बन जाए तो। और अगर ना बने कि नहीं ऐसे कैसे कर दिया तूने, ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी होता है हमारे घर में, ऐसे होता है हमारे घर में, ऐसे होता है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके बाद में हम सब जानते हैं कि उसके रिजल्ट क्या होते हैं। और तभी तो शायद सास बहू का रिश्ता इतना ज़्यादा बदनाम है। ये नहीं होता कि माँ बेटी में आपस में खिटपिट नहीं होती, सब में होती है, पर सास बहू का रिश्ता इसी तरह, इसी वजह से ज़्यादा बदनाम है कि जो रोल सास को निभाना चाहिए वो नहीं निभाते, और बाद में फिर बहू भी नहीं निभाती। तो एक बार बहू को बेटी बनाकर तो देखिए आप, रिश्ते क्या, रिश्तों के मायने ही बदल जाएंगे, परिवार का, घर का माहौल ही बदल जाएगा, और ये धारणा भी झूठी हो जाएगी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तो अपने परिवारों में ज्यादातर क्या होता है कि बच्चे नौकरी कर रहे हैं, बेटा बेटी चाहे पढ़ रहे हैं, तो उनके टिफिन सारा काम मम्मी करते हैं, और जब बहू आ जाती है तो सारी जिम्मेदारी वो बहू पे डाल दी जाती है। और हम भी सब जानते हैं कि वो चीज़ें, सब चीज़ें एक सी नहीं रहती है, कल को उसको भी बच्चे हो जाते हैं, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमेशा शरीर भी एक जैसा नहीं रहता है, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा माहौल ख़राब होते होते वो ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये देखो, अगर घर में सुख शांति रहे तो सब कुछ है, तो थोड़ा सा मिल बांट के, थोड़ा सा झुक करके और समझौते से काम कर लिए जाए तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है वो चीज़ हमेशा। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि ऐसा मत सोचिए कि शादी होने के बाद हमारी जिम्मेदारी कम होगी। एक पुरानी कहावत थी कि आई बहू आया काम, गई बहू गया काम। तो जितने ज़्यादा जने होते हैं उतना ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो मिल बांट कर काम करने से अगर परिवार में सुख शांति संपत्ति रहती है, तो थोड़ा बहुत मतलब सारे जने मिल बांट के करें। और आज बस यही छोटी सी बात जो मतलब मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, करी है मैंने बार बार, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ। तो अगर आपको ये अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।